हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट्स विथ टैली। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ निगेटिव कैश और निगेटिव स्टॉक की जानकारी। तो ये निगेटिव कैश और निगेटिव स्टॉक क्या है और ये क्यों आता है। तो मान लीजिए हम कोई पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं या टैली के मुताबिक हमारी कंपनी में उतना कैश बैलेंस नहीं है या फिर उतना आइटम नहीं है और उसकी एंट्री हम कर रहे हैं, तो हमें एक वार्निंग दिखाई देती है। तो आइए देखें कि वो कैश निगेटिव और स्टॉक निगेटिव की वार्निंग बॉक्स क्या है। तो इसके लिए हम टैली ERP 9 ओपन करेंगे और यहाँ से आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, एस्केप की प्रेस करके, और यहाँ से हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे और हमने इंटर प्रेस किया। जैसे हम पेमेंट में कोई एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई एक एंट्री कर रहे हैं सैलरी की, मान लीजिए कर रहे हैं सैलरी अकाउंट, हम सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, यहाँ करेंट बैलेंस तो है 12,000, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं 15,000 रुपये, और इंटर प्रेस करेंगे। जिस जिसको हमने सैलरी दिया उसका नाम आ गया, और हम यहाँ कैश से कर रहे हैं, कैश लेंगे। और ये देखिए हमारा जो रेड वाला जो बैलेंस है वो 27,000 रुपये क्रेडिट है, जो कि हमारे पास नहीं है। जैसे हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा ये एंट्री यहाँ पे एक्सेप्ट हो जा रहा है, क्योंकि हमारा जो करेंट बैलेंस है वो अभी 1,61,050 रुपये डेबिट है। अगर हम यहाँ अमाउंट ज़्यादा ले लें, मान लेते हैं 2,00,000 रुपये एग्जाम्पल के लिए, इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा जो ये 23,950 रुपया है वो ये ज़्यादा हो रहा है, जो कि कैश हमारे पास नहीं है और ये रेट दिख रहा है। और जैसे हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के लिए हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अब यहाँ पे तो ये निगेटिव कैश की जो ऑप्शंस थी वो नहीं आई, तो उसे हम लाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन F12 पे जाएंगे और प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम आएंगे वन ऑन निगेटिव कैश बैलेंसेस, ये यस है, और इसे हम यहाँ नो कर दें। नो किया और इंटर प्रेस किया, कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे हम कोई एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं, मान लीजिए हम एयर कंडीशनर हम खरीद रहे हैं और ये हमारा 5,000 रुपया है, 50,000 है, इंटर प्रेस करेंगे और क्रेडिट करेंगे हम कैश को। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे एक एरर बॉक्स आ गया कि डेट कैन नॉट बी अलाउ फॉर फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग। हमने यहाँ डेट नहीं डाला, इसलिए ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, और ये रेड वाला जो अमाउंट है वो हमारा निगेटिव में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है और हम वहाँ ज़्यादा ले रहे हैं इसके वजह से। इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लिए, और अगर हम चाहें कि स्टॉक आइटम्स में भी हमारे साथ ऐसा हो तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ से वापस हम आएंगे एस्केप की से बाहर गेटवे ऑफ टैली पे। अब अगर हम चाहते हैं कि हाँ, जब हम एंट्री करें और पेमेंट वाउचर्स या किसी और वाउचर्स की, तो हम चाहते हैं कि हमारे एंट्री में कैश जो निगेटिव है वो ना आए, तो उसके लिए हमने ऑप्शंस बंद करना सीखा।
बाई डिफॉल्ट वो ऑप्शंस अक्सर खुली रहती हैं, तो हमने उसे बंद किया और अब हम यही एंट्री स्टॉक नेगेटिव में करें। तो जैसे कि हमने पेमेंट वाउचर्स यहाँ पे प्रेस करेंगे और आएंगे पेमेंट वाउचर्स में, और यहाँ पे हम कोई एंट्री कर ले रहे हैं। जैसे हमने कस्टमर का नाम सिलेक्ट किया, ये कस्टमर्स की एंट्री हम सेल्स में करेंगे, तो हम F8 प्रेस करते हैं यहाँ पे, और हमने जैसे कि कस्टमर्स आकृति को सिलेक्ट किया और हम इंटर प्रेस किए, और यहाँ से हम प्राइस लेवल ले रहे हैं सेमी होलसेलर्स, इंटर प्रेस करेंगे। जैसे कि कीबोर्ड था हमारा, हमने कीबोर्ड लिया, और ये हमने यहाँ पीस 25 पीस है हमारे पास, और अगर हम यहाँ कीबोर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करते हैं, जिस गोडाउन का है वो हम यहाँ से ले लें, क्वांटिटी यहाँ हम 30 पीस डाल दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्टॉक उपलब्ध है 25 पीस और हम क्वांटिटी 30 पीस डाल दिए। तो जैसे ही हमने 30 पीस क्वांटिटी डाला, ये देखिए यहाँ हमारा 49 पीस जो है वो निगेटिव स्टॉक है। तो अगर हम चाहें कि ये हमारा स्टॉक निगेटिव ना आए, तो उसके लिए हम F12 फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, और यहाँ से हम ये जो है वर्न इन वाउचर नंबर एक्सेस, सॉरी यहाँ वर्न ऑन निगेटिव स्टॉक बैलेंसेस, ये यहाँ यस है और इसे हम यहाँ नो कर दें। तो जैसे हमने यहाँ नो किया, तो हम जो वापस से इस एंट्री को करेंगे, और जैसे कीबोर्ड हमने 30 पीस डाला, रेट जो लग रहे थे वो डाले हम, तो इस एंट्री को जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये देखिए ये एंट्री हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, और यहाँ निगेटिव स्टॉक की वो विंडोज ओपन नहीं हुई। तो उसी तरह हम अगर किसी कंपनी स्टॉक का, सॉरी किसी स्टॉक निगेटिव को हाइड करना और उसे नो करना सीखा, और उसकी वार्निंग डिफॉल्ट को लाना सीखा, तो हम चाहे तो वो वार्निंग डिफॉल्ट यहाँ से हटा भी सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में आकर के, फिर से इसे हम नो कर दें, सॉरी ये नो है तो इसे हम यस कर सकते हैं और इंटर प्रेस करके, और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये एंट्री हमारी रॉन्ग हो सकती है। तो आपने सीखा स्टॉक निगेटिव एंड कैश निगेटिव की जानकारी प्राप्त करना। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। आप हमारी DVD परचेस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।